ये हमने दो तीन बस्तियाँ रही पंचिल अपने घनेगढ़ के सामने पृथ्वी नगर योजना में, कि हमने यहाँ पे राशन सामग्री की वितरण करी, क्योंकि काफ़ी गरीब परिवार रहते हैं, काफ़ी बरसों से रह रहे हैं, काफ़ी अभी क्या दो चार दिन से बारिश पड़ रही है तो उनके अभी इनके पास कमाने का साधन अभी है नहीं, इतना परेशान हो रहे थे। तो इनका मेरे पास टेलीफोन आया, बोला हम परेशान हो रहे हैं। तो मैंने वहाँ पर बिल्कुल वहाँ पर वहाँ जाके मैंने स्थिति देखी, स्थिति वाकई में ख़राब थी। तो मैंने वहाँ पर इनको राशन वितरण किया, जो भी राशन सामग्री में जो किट आता है वो वितरण किया। बच्चों को भी कुछ जो भी बिस्किट खीर देने से दिए मैंने, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हम सब जगह जो भी गरीब परिवार के लोग हैं जो भी हैं, तो हमारा उद्देश्य यही रहता है ज़्यादा से ज़्यादा हम सेवा कर सकें, हमारा उद्देश्य यही रहता है। कहाँ से उनके पास हमारे पास फ़ोन आता है चाहे कहीं से भी फ़ोन आता है, तो हम वहाँ जरूर वहाँ पहुँच जाते हैं, पूरी कोशिश करते हैं वहाँ पहुँचने की, वहाँ सेवा देने की। तो हमारा ये हमेशा उद्देश्य रहता है और आगे भी हम करते रहेंगे हर करते रहेंगे, क्योंकि यही हमारा ये सेवा करना ही हमारा उद्देश्य है, चाहे वो पशु पक्षियों की हो, चाहे वो इंसानों की, चाहे किसी की भी हो, हमारा उद्देश्य ही रहता है। आगे भी हम ये सेवा करें हमेशा। क्या बांटा आपने, क्या क्या बांटा? आज हमने वही राशन जो किट आता है वो बांटा हमने, ये अपने घनेगवाड़ी के सामने जो बस्ती वहाँ बांटा, पृथ्वी नगर योजना में कुछ गरीब परिवार रहते हैं वहाँ बांटा हमने। और आगे भी हमारे जैसे सूचना हमको मिलती रहेगी, हम आगे बांटते रहेंगे, क्योंकि बारिश का टाइम है अभी, क्योंकि बारिश के टाइम में क्या रोज़गार इतना नहीं मिल पाता है, इनको कोई काम पर नहीं जा पाते हैं, तो परेशान रहते हैं। देखो यही तो रोज़ कमाने खाने वाले आदमी हैं रोज लिए, तो हमारा उद्देश्य ये कि इनको इनकी जो भी पूर्ति है वो हम पूर्ति करें। कितने लोगों को बांटा लगभग? करीब हम बांटा हमने करीब 25 लोगों को हमने ये राशन वितरण किया हमने, और आगे भी हम वितरण करते रहेंगे, हमारा ये उद्देश्य रहेगा संस्था का हमारा।